हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज डे टू है हमारा किश्तवाड़ का। तो कल गए हम बद्री और बदरवा घूम के आए थे, तो मंगल भाई जो हमारे साथ है उनको हमने छोड़ दिया था। तो उसके बाद हम पहुंचे हैं किश्तवाड़ में। तो ये हमारे साथ है पीछे दीपू भाई, ये है साहिल के मामू, तो जिन्होंने हमारा रात का सारा अरेंजमेंट किया था रहने का खाने पीने का। तो अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पर घुमाने के लिए आए हैं, TRC ग्राउंड है यहाँ पर करके एक मेन किश्तवाड़ में। तो अभी हम यहीं पर आए हैं और थोड़ा बहुत खेलेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम निकलेंगे गाइस आगे, आपको दिखाएंगे मस्जिद वगैरह भी। तो दीपू भाई क्या बोलना चाहोगे आप इस ग्राउंड के बारे में कुछ? ये तो फेमस ग्राउंड है, इसके बारे में क्या कहना, सबसे बड़ी ग्राउंड है यहाँ पे किश्तवाड़ में। और इसके बाद आप कहाँ पे लेके जाओगे हमें घुमाने के लिए? सबसे पहले क्रिकेट खेलने चलेंगे, उसके बाद देखते हैं डूल साइड जाते हैं, वहाँ भी जगह अच्छी है। चलो ठीक है, फिर गाइस मिलते हैं हम आपको बाकी आगे जाके। तो गाइस देख सकते हो यार, सुबह सुबह काफ़ी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे चल रहा है भाई क्रिकेट मैच, तो इन्हीं के साथ खेलेंगे हम भी क्रिकेट मैच। तो ये दीपू भाई के फ्रेंड है, और आगे पीछे आप देख सकते हो यार, बिल्कुल एकदम पहाड़ों के बीच में बना हुआ है ये ग्राउंड है। किश्तवाड़ मेन है यहाँ पे, जहाँ पे हम आए हैं ये बिल्कुल बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है। तो आगे पीछे की बात करूँ तो हर जगह ही आप मतलब पहाड़ के बीच में ही है। तो हमारा रूम भी उस साइड पर है जैसे आप पीछे देख रहे होगे। तो बाकी हम यहाँ पे खेलेंगे, उसके बाद नहा नो के हमने जाना है अभी मस्जिद, फिर गए हम वहाँ पर निकलेंगे। तो यहाँ पर चल रहा है क्रिकेट मैच। ओ यार कैच है, यार कैच है, कैच है, कैच है भाई, पकड़ लिया उसने। तो राहुल भाई करते हुए बैटिंग। शेर 100 साल पे सोया रहे ना, शेर शेर करता है, समझा बेटा। और ये बैटिंग करते हुए राहुल भाई, देर बाद खेल रहा है। ओ बॉल, चार रन चाहिए जीतने के लिए। और राहुल भाई ये बैट्समैन वाइड, और ये वाइड होगी। राहुल भाई पे प्रेशर बनता हुआ, और ये शॉट पर चढ़ी नहीं, नहीं आ जाए कहीं। ये हमारे सुमित भाई खेलते हुए, और ये सुमित भाई का छक्का, वेल प्लेड, वेल प्लेड ब्रो। अभी अपना क्रिकेट मैच हो गया कंप्लीट, और अब यहाँ से हम निकलने लगे हैं। तो सबसे पहले जाएंगे रूम में, तो फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद निकलेंगे हम। यहाँ की जो फेमस मस्जिद हैं दो, वो भी आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ये है भाई किश्तवाड़ की गलियाँ, और ये किश्तवाड़ की मार्केट। ये कोर्ट है ये सामने, ये कोर्ट है। अच्छा अच्छा किश्तवाड़ कोर्ट। तो ये पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ का देख सकते हो आप, अभी हम जा रहे हैं रूम में, तो यहाँ पे होंगे फ्रेश, उसके बाद निकल जाएंगे आगे। तो ये हम आ गए अपने रूम के पास, तो यहाँ पे हम होंगे थोड़े फ्रेश वगैरह, तो उसके बाद निकलेंगे यहाँ से डूल साइड जो भी है। और अभी हम साहिल के गांव के, डूल साइड वाला प्लान हमारा कैंसिल हो चुका है, और अभी हम जा रहे हैं साहिल के गांव में। तो इसके गांव में जाते हैं, वहाँ की आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। और ये देखो जो अभी हमें साहिल के फ्रेंड ने ला के दिए, दातून। कौन सी दातून है साहिल? ये और ये डेमो, और ये डेमो चल रहा है। ये देखो ये दातून है कौन सी, अखरोट की, और ये अखरोट की दातून। तो गाइस बस यहाँ पे होते हैं फ्रेश, उसके बाद निकलते हैं, आपको मिलते हैं आगे हम। तो गाइस अभी हम रेडी होके आ चुके हैं, और अभी हम निकलने वाले हैं मस्जिद के लिए। तो बाकी वाले सारे चले गए आगे, ऊँट आप देख सकते हो लाल हो चुके हैं। ये दातून का कमाल है सारा, जो हमने दातून की थी। तो फाइनली गाइस रेडी हो चुके हैं, अभी हम जाने के लिए मस्जिद। तो जामा मस्जिद इससे पास में ही है, जैसे कि आप सामने देख सकते हो जहाँ पे हमारा रूम था उससे बिल्कुल एकदम बाहर पे है। तो अभी हम यहीं पे जाएंगे अंदर, और अंदर का मुझे अभी पक्का पता नहीं है कंफर्म कि यहाँ पे वीडियो बनाना देते हैं कि अलाउड है कि नहीं है, बट फिर भी हम अंदर जाएंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। अगर बना सकते होंगे तो हम ज़रूर आपको दरगाह की वीडियो देंगे। तो फाइनली गाइस अभी हम जा रहे हैं दरगाह के लिए। तो जूते जूते कहाँ खोलने हैं अंदर? तो अभी चल रहे हैं गाइस, अभी हम अंदर। ये है यहाँ की फेमस किश्तवाड़ की दरगाह। जूते वगैरह खोल लेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं। तो गाइस अभी यहाँ से हम चलते हैं अंदर के लिए,
ये फर्स्ट टाइम मैं किसी मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ आज अपनी लाइफ में, ये फर्स्ट टाइम है यार, काफ़ी कमाल की अंदर से एकदम शांत। तो वैसे ये देख सकते हो आप मस्जिद अंदर से एकदम, तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं इस टाइम अंकल जी, तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये सामने देख सकते हो यार कितने कमाल का है, ये जामा मस्जिद है किश्तवाड़ की फेमस। जामिया तो यही है, ये मेन, ये किश्तवाड़ मेन जो जामिया मस्जिद है वही है। तो दुनिया भर की मस्जिदें हैं, हाँ। के पास में ऊपर वाले साइड में मस्जिद है, इधर आगे है ज़ियारत के पास है मस्जिद है, ऊपर वाले की ज़ियारत के पास भी मस्जिद है। अच्छा दो मेन मेन जो है वही है मस्जिद है ना, फेमस एक एक और है ना उसके अलावा, दो बोलते ना दो मस्जिद है तो वो दूसरी वाली वो आगे वो तो उधर है ना, वो ज़ियारत है। अच्छा वो ज़ियारत है। ओके सर, तो हमने इनसे पूछा कि मस्जिद में हम जा सकते हैं, तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये हिस्टोरिकल मस्जिद है तो यहाँ पे जाना हर एक के लिए अलाउड है और आप कैमरे से ये शूट भी कर सकते हो। तो ये फर्स्ट मस्जिद थी जो हमने आपको दिखानी थी। अच्छा शूज़ अलाउड नहीं है तो मैं शूज़ खोल के आता हूँ यहाँ पर, तो आपको दिखा दिया यार मेन यही था गाइस, काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये। अभी हम यहाँ से निकलते हैं, तो ये लाल हो चुके हैं दातून की वजह से गाइस काफ़ी ज़्यादा, तो फिलहाल अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे, तो चलते हैं हम दूसरी मस्जिद की ओर, फिर मिलते हैं आपको वहीं पे। तो गाइस अभी हम यहाँ से कर रहे हैं ट्रिपलिंग, क्योंकि दीपू भाई को किसी काम से जाना पड़ रहा है घर पे, थोड़ा सामान रह गया था और उनका वॉलेट भी घर पर ही है, तो इस वजह से अभी हम ट्रिपलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी आगे तक ही है तो हम तीनों चाहेंगे तो वहीं पर हमें मिल जाएंगे बाद में, तो हम चलते हैं आगे। हमने परमिशन ले लिया, तो यही है मेन दूसरी मस्जिद तो जहाँ पर हम जा रहे हैं अंदर। तो गाइस इस दरगाह में भी अपना फर्स्ट टाइम ही है, बता दो आप अपना नाम भी बता दो और इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दो। नाम आबिद सर दरगर है, मैं आऊँ काफ़ी तरफ से यहाँ पर, ये हज़रत शाह असलाउद्दीन रहमतुल्लाह की दरगाह है, हज़रत शाह फरुद्दीन रहमतुल्लाह की दरगाह दूसरी है ऊपर, वो दूसरी। तीन बेटे थे, दो बेटे उनके साथ में हैं और एक बेटा इधर है। अच्छा एक बेटा यहाँ पे, हाँ बड़ा वाला बेटा ये है हज़रत शाह असलाउद्दीन रहमतुल्लाह। हज़रत शाह असलाउद्दीन रहमतुल्लाह छोटी उम्र में इंतकाल कर चुके हैं, तो उनके बड़े कारनामे, इन्होंने अपने अल्लाह के हुक्म से मर्दों को ज़िदा किया है। अच्छा एक दीवार की सवारी इन्होंने की है, उस वक्त का राजा यहाँ पर शेर की सवारी कर रहा था, लेकिन जब यहाँ से गुजर गए तो उन्होंने पूछा शेर, इसने कहा राजा ने देखो मैं शेर की कैसे सवारी करूँ, उन्होंने कहा ये कौन सा बड़ा कमाल है, इसने दीवार को हुक्म किया तो वो वहाँ पहुँच गई यहाँ से दूसरी ज़ियारत तक, और इसके अलावा उन्होंने जानवर को भी ज़िंदा किया है। बड़ी अच्छा। मिसालें हैं यहाँ से, कोई खाली नहीं जाता, जो भी आता है खाली नहीं जाता, बहुत बड़ी ज़ियारत है यह, लोग आते हैं यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, खैरात करते हैं, यहाँ बाहर लंगर लगता है, चार दिन लंगर लगता है, चार दिन लंगर लगता है, हाँ कंटिन्यू लंगर लगता है, इनके उर्स होते हैं यहाँ पर 9-10 नवंबर को, यहाँ इनका बड़ा दिन होता है,
9-10 दिसंबर नवंबर ओके 20 जून को दूसरी दरगाह पर होता है। ओके सर 21-20 जून चलिए शुक्रिया सर बहुत बहुत। तो बस ये कुछ इस तरह से होता है, आपको दिखा देता हूँ यहाँ का मैं थोड़ा सा। ये दरगाह है मेन, तो फाइनली गए यार, काफी अच्छे लोग थे अंदर के यार, जैसे सोचा था उससे भी काफी अच्छे लोग थे। तो जो मौलवी जी थे उन्होंने भी काफी अच्छे से समझाया इस जगह के बारे में, दरगाह के बारे में। तो अब इसके बाद हम जा रहे हैं कौन सी, कहाँ पे जा रहे हैं साहिल, कौन सी हम जा रहे हैं मस्जिद में? तो गाइस अब हम निकलने लगे हैं भंडार कुंड के लिए, तो वहाँ पे भी फेमस मस्जिद है, तो वहाँ पे भी दिखाएंगे आपको। जो इनके दूसरे भाई हैं उनकी मस्जिद है वो, तो ये काफ़ी फेमस मस्जिद है, किश्तवाड़ की मानी हुई मस्जिद है। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से आगे। गाइस साहिल और अभी रास्ता भूल चुके हैं, तो अभी हम वेट कर रहे हैं मैं और दीपू भाई उनका। तो जैसे वो यहाँ से आते हैं उसके बाद निकलेंगे हम आगे। और ये देख सकते हो यार सुबह सुबह जो रोड की दातुन की थी उसने, जो मेरे होंठों की हालत बनाई है, इस टाइम बिल्कुल लाल हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी हम उनका वेट करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी 10 किलोमीटर और जाना है यहाँ से हमको, फिर आपको मिलते हैं वहीं पे, जाके दिखाते हैं ज़ियारत। तो गाइस ये यहाँ का हनुमान मंदिर, तो गाइस फिलहाल अभी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रुके हुए हैं। तो ये मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये वाला पुल, कौन सा पुल है साहिल? तो ये इसको बोलते हैं भंडारकूट पुल। तो यहाँ पे दान पुण्य वगैरह भी करते हैं लोग उसके बैक साइड पे, और ये नीचे ज़ारत वगैरह भी है। तो वो बाकी सब हम आपको नीचे जाके दिखा देंगे। और ये देख सकते हो यार यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गहराई है नीचे को। तो पिछले दिनों में, काफ़ी दिन पहले यहाँ पे एक बार मेडोर भी नीचे गिर गई थी, दो बंदे यहाँ से नीचे पड़े थे। तो आप देख सकते हो काफ़ी यार ज़्यादा गहराई है पीछे मेरे, सीधी खड़ी गहराई है। और आगे पीछे की बात करूँ तो मैं यार बताऊँ एकदम ऑसम फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है किश्तवाड़ भद्रवाह का, तो जो कि हमने कवर किया है जितना हो सके। हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन थे, आज हमने जम्मू वापस भी जाना है। तो भंडारकुंड जाएंगे अभी, आपको हम वो भी दिखा देंगे सामने से, वो देख लीजिए बीच में वो पुल है। तो ये जो सामने आप देख रहे होगे पुल, यही पुल है वो, जाएंगे हम गाइस, डोंट वरी। साहिल तेरे भी होंठ लाल हो गए मेरे ज़्यादा हो गए उसकी वजह से। तो चलो अभी हम निकलते हैं यहाँ से आगे, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। इसके बाद हमने अभी वहाँ पे भी जाना है घर के लिए, भी जम्मू भी वापस जाना है गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं हम। तो यहीं से आप देख लो और हम निकलते हैं यहाँ से आगे, क्योंकि हमने वापस भी जाना है अभी जम्मू को। भंडारकूट पुल के पास पहुँच गए हैं हम गाइस। पहले हम फिलहाल जा रहे हैं यहाँ से मंदिर, और यहाँ पर काफ़ी माना हुआ मंदिर है ये। तो गाइस काफ़ी अच्छा मंदिर है चंडी माँ का यहाँ पे। तो यहाँ पे हम माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं माँ को, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से आगे। तो ये सामने देख सकते हो आप, ये पुराना वाला पुल है जो कि एकदम टोटली लॉस हो चुका है, बंद हो चुका है। और जो नया पुल है बन के कम्प्लीट हुआ है वो ये पुल है, जहाँ से लोग जाते हैं अभी। फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं भंडारकूट वाली दरगाह के पास। तो देख सकते हो यार काफ़ी कमाल का व्यू है यार यहाँ से, एकदम ख़तरनाक व्यू हुआ मेरे। नीचे देख सकते हो यार रुका हुआ पानी है चिनाब दरिया का ये, और सामने वो हनुमान मंदिर भी देख सकते हो आप, पास में ही है सब। तो चलो चलो, थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ता है आपको यहाँ के लिए। तो गाइस यही है लास्ट मस्जिद जिस जो हमने आपको मेन दिखानी थी, तो यहाँ पे लेकर आए हैं अभी हम आपको। तो यार काफ़ी कमाल का व्यू है यहाँ से भंडारकूट का। तो सामने ही आपको मंदिर भी दिख जाएगा हनुमान जी का, तो यहाँ पे भी हमने माथा टेक लिया, और उसके बाद आपको यहाँ पे दरगाह भी दिख जाएगी, तो यहाँ पे भी हम हो आएंगे। यहाँ की सबसे मानी हुई ज़्यारत है, तो आप कभी भी कोई विश मांगना चाहो यहाँ पे तो आपकी विश वो पूरी होती है, कुछ भी अगर आप सच्चे दिल से यहाँ पे मांगते हो। तो यार देख सकते हो आप अंदर आते ही यार,
खुशबू ही अलग है अंदर की। बहुत ही मानी हुई जरूरत है, जो मांगो मिल जाता है। अपने लिए भी मांग लेना कुछ। तो फाइनली गाइस अब हमारे यहाँ के दर्शन भी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मन्नारकूट को हम करते हैं अलविदा यहाँ से और आपको मिलते हैं हमारी लास्ट डेस्टिनेशन पे जाके, जो कि है मुगल मैदान। तो वहीं पे जाके अब हम कुछ खाएंगे पियेंगे और वहीं पे करेंगे इस ब्लॉग का एंड। तो लास्ट अभी हम आपको मिलते हैं हमारी डेस्टिनेशन पे जाके। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं डेड पैथ के पास। तो इस एरिया का नाम है डेड पैथ, काफ़ी सुंदर एरिया है यार ये भी। तो पूरी लैंडस्लाइड एरिया गाइस, देख सकते हो आप पहाड़ कैसे गिरे हुए हैं यहाँ पे। तो फाइनली गाइस अभी हम जा रहे हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे, तो मुगल मैदान। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, रोड साइड पे हमने बाइक खड़ी कर ली हुई है अपनी और यहाँ से चल रहे हैं अभी हम पैदल। तो यहाँ पे पीछे हमारे हैं तहसीलदार का ऑफिस, लेकिन हम जा रहे हैं नीचे मुगल मैदान। तो फाइनली गाइस अभी हम एंटर कर रहे हैं हमारी लास्ट डेस्टिनेशन। तो पहुँच चुके हैं अभी हम यहाँ पे मुगल मैदान। तो मेरे पीछे देख सकते हो आप पार्क, यहाँ पे पार्क के लिए मशहूर है। और साथ में ही यहाँ पर है गाइस एक नहर टाइप जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तो वो भी आपको दिखाते हैं अंदर जाके। तो ये पहुँच चुके हैं हम गाइस मुगल मैदान। तो मुगल मैदान में आपको दिख जाएगा एक पार्क और ये स्विमिंग पूल भी टाइप दिख जाएगा आपको छोटा सा, लेकिन अभी ये है बंद और सूखा हुआ। लेकिन आपको एक मैं बहुत अच्छी सी चीज़ दिखाऊँगा आगे। तो फाइनली यार गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मुगल मैदान। तो देख सकते हो यार आगे पीछे की ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में शांत सा पार्क है और पार्क के साथ ही बहती हुई ये नदी जो कि खूबसूरती को चार चांद लगा रही है यार। और मैं बता रहा हूँ कि इतनी ठंडी हवा ना यहाँ पे कि मज़ा आ जाता है गाइस। अभी तो गर्मियों के दिन है और गर्मियों के दिन पे ऐसी जगह में आना तो ऑसम फीलिंग है। गाइस हम पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है यार ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है यार यहाँ पे आके। और इस धूप के मौसम में यहाँ पे इतनी ठंडक है, मैं क्या बताऊँ आपको। और आप मेरे पीछे ये जैसे कि देख ही सकते हो यार कितनी कमाल की नदी बह रही है। तो अभी हम यहाँ पे अपने पाँव वगैरह करेंगे ठंडे। तो गाइस यही थी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन जो कि आपको दिखानी थी। तो अभी हमारा दिल तो कर नहीं रहा है यहाँ से जाने का किश्तवाड़ को छोड़ के, लेकिन क्या करें और भी काम है, तो फटाफट यहाँ से अब निकलना पड़ेगा क्योंकि जम्मू की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। तो यही आपको दिखाना था हमने अपनी लास्ट डेस्टिनेशन, और यहाँ पे करेंगे एंजॉय और उसके बाद निकल जाएंगे गाइस। तो मिलते हैं आपको एक और नई अमेजिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर। और यहीं पे करते हैं हम अपने इस ब्लॉग को ख़त्म। तो बाय बाय दोस्तों, ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस। तो मिलते हैं आपको एक और मज़ेदार ब्लॉग के साथ अभी।